chapter, chapter number 2, polynomials, and this is very important chapter. Okay? So, हमने previous class में, class 8 में variables, algebraic expressions इनके बारे में पढ़ रखा है, है ना? Variables क्या होते हैं? Variables जैसे हम x, y, z जो small alphabet से denote करते हैं, जिनकी values change होती, vary करती है ना? Change होती जाती है, उसको हम variables कहते हैं, और इन्हीं variables के हल से हम algebraic expressions बना लेते हैं, right? Algebraic expressions क्या होंगे? जैसे suppose हमने लिख दिया 2x plus 3, ठीक, कुछ operations, कुछ numbers और ये variables सबको मिलाकर हम जो expressions create करते हैं, उसके according हमारे पास जैसे 2x plus 3, otherwise x plus 1 by x या 3y plus x plus z, ठीक, या simply हम 3 लिखे तो ये भी एक expression है, 100 लिखे तो ये भी आपका क्या था, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? अब पॉलीनोमियल इससे कैसे रिलेट हो रहा है? तो पॉलीनोमियल जो है वो भी एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, है ना? तो पॉलीनोमियल्स में, पॉलीनोमियल्स में क्या होगा आपके पास कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी वो सिंपली होल नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है? क्या है, वेरिएबल्स जो भी इन्वॉल्व होंगे उस एक्सप्रेशन में उनकी पावर्स होल नंबर्स होनी चाहिए। तो जैसा कि हम इसमें देखें कि सिंपली x plus 3, अब यहां पर मेरे पास वेरिएबल क्या है, x, और इसकी पावर क्या ली मैंने, 1, और इसे होल नंबर। सिमिलरली अगर मैं यहां लिखूं 3x square plus 4x plus 5, अब यहां भी देखो आपके पास x, यहां पर x की पावर क्या ली, 2, that is the whole number, x की पावर क्या आ रही है, 1, that is also whole number, तो ऐसे जो भी आपके पास variables हैं, उनकी powers आपके पास whole number, that is 0, 1, 2, 3, इस तरह से कुछ आनी चाहिए। Similarly, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x plus 4y plus 5z, this is also a polynomial, but यहाँ पर ये हमारे पास 1 variable में polynomial था, और ये क्या है आपके पास, 3 variables मैंने include किए, that is, this is a polynomial, 3 variables. लेकिन जैसा अगर मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलीनोमियल है? क्या है, देखो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सही से लिखें तो इस 1 बाय x को क्या लिखेंगे हम, x की पावर माइनस 1, तो इस x की पावर जो 1 है दैट इज होल नंबर, बट ये माइनस 1 पावर के कारण हम इसे पॉलीनोमियल की कैटेगरी में नहीं ले सकते, इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर ये होल नंबर नहीं आता। आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे ही अगर सपोज करो कि मैंने एक और कोई एक्सप्रेशन लिखा है जस्ट लाइक रूट 2x प्लस 2 रूट x, अब सिंपली इसे देखो और चेक करो कि ये आपका पॉलीनोमियल है या नहीं। तो देखो हमें वेरिएबल में कंसंट्रेट करना है, तो जैसा अगर इसमें देखें तो ये x वेरिएबल है और इस x की पावर क्या चलती है हमारे पास, 1, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस x के अकॉर्डिंग देखें तो रूट को हम क्या लिखते हैं पावर की फॉर्म में, हाफ, सो इस रूट, इस x की पावर क्या है, हाफ, दैट इज नॉट ए होल नंबर, दैट मींस ये आपका पॉलीनोमियल नहीं, नॉट ए पॉलीनोमियल, क्लियर? इस रूट 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? हमें इस रूट x से प्रॉब्लम, रूट 2 तो इसके आगे एक नंबर है आपका, ठीक है? और हमें सिर्फ पॉलीनोमियल्स के लिए क्या देखना है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर आपके पास होल नंबर्स की फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें सिंपली कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैंने ये 300 ये भी इन्वॉल्व किया है, तो क्या ये 3 आपका पॉलीनोमियल की कैटेगरी में आएगा, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो लेट्स ये सपोज करो कि 3 मैं ले लूं और हम जानते हैं कि x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1, है ना? तो 3 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 मतलब कि मैं इसको 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकती हूँ, है ना? 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पर जो ये वेरिएबल x लिया मैंने उसकी पावर क्या आ रही, 0, विच इज ए होल नंबर, दैट मीन्स जो 3 है सिंपल वो भी आपका क्या होगा, पॉलीनोमियल आएगा। और ऐसे अगर हम 100 की बात करें तो 100 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू एक्स की पावर 0, सो जो सिंपल नंबर्स है हमारे वो भी क्या कहलाएंगे, पॉलीनोमियल्स की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर टाइप्स
नंबर्स के, जैसे हमने यहाँ पर ये नंबर्स लिए है ना, तो ये जो सिंपल नंबर्स है उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, क्लियर। और इसी कॉन्स्टेंट, जैसे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है ऐसे हम जीरो को भी ले सकते हैं, जीरो इज ऑल्सो ए नंबर, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो, सो जीरो इज ऑल्सो ए पॉलीनोमियल, जीरो इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। लेकिन इस जीरो के लिए एक और नेम डिफाइन किया है, जीरो पॉलीनोमियल, सिंपली जीरो जो नंबर है उसे हम बोलेंगे जीरो पॉलीनोमियल। तो जीरो पॉलीनोमियल एक कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल भी है, ओके। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या आती है पॉलीनोमियल के बाद, पॉलीनोमियल आपको समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी ए होल नंबर। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट आपने वैसे लास्ट ईयर 8 में भी पढ़ा है। क्या है कोफिशिएंट, देखो कि सपोज जैसे कि हम ये लें एक्स प्लस 3, अब इसमें आपसे सपोज मैं ले लेती हूँ 3x प्लस 3, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स के साथ में आपके पास नंबर इन्वॉल्व है दैट इज 3, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हम पूछे कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अगर यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, अब एक्स के आगे जो आपके पास नंबर इन्वॉल्व है दैट इज माइनस 4, यू हैव टू टेक द साइन ऑल्सो, सो दिस इज माइनस। ऐसे ही सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3। तो सिंपली कोफिशिएंट्स जो है वो डिफाइन कैसे कर रही है कि जो भी आपके पास नंबर्स इन्वॉल्व है, जो भी नंबर है उसके आगे दैट इज अ कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कि कोफिशिएंट हो गया, फिर इसके बाद आता है आपके पास टर्म्स, टर्म्स भी हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि प्लस माइनस से सेपरेट हुए हुए जो भी ये आपके पास टर्म्स आए ना, जैसे इसमें देखिए हम ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। सेम ऐसे ही दिस इज 1, दिस इज 2, हियर इट इज 2 टर्म्स, ठीक है। तो हमने लास्ट में कैटेगराइज किया था मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और ऐसे अगर आगे देखते जाए तो पॉलीनोमियल्स आता है, तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, जैसा अगर सिंपली लिखे हम 3x या 4y या सिंपली 100, तो दिस आर द मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होगा, हमारे पास 2 टर्म्स होंगी जैसे 4x² - 5, ठीक। एंड ट्राइनोमियल में वी हैव 3 टर्म्स, सो सिंपली x + y + z है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास पॉलीनोमियल। तो हमने पढ़ लिया पॉलीनोमियल्स, फिर कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल, कोफिशिएंट्स, टर्म्स। नाउ आई एम टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल किसे कहेंगे हम। तो देखो डिग्री, डिग्री क्या है आपके पास, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ पॉलीनोमियल की, सपोज आई हैव टेकन 3x² - 4x - 7, ये हमारा एक पॉलीनोमियल है और हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री कैसे फाइंड आउट होगी, जो भी वेरिएबल आपका इसमें इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर है ना, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर x की पावर क्या है 1 एंड हियर द पावर ऑफ x इज 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारे पास 2, दैट मींस इस पॉलीनोमियल की डिग्री जो है वो क्या है, इज इट क्लियर। तो जो भी वेरिएबल आपके पास इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, डिग्री डिफाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि 4x³ + 3x² - 7x + 5, सो व्हाट इज द डिग्री हियर, डिग्री क्या हुई आपके पास, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है हमारे पास 3, दैट मींस 3 इज द डिग्री, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग, डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी यहां पर पॉलीनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है, कैसे किया है, लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल,
1. इसे सिंपली अगर हम लेंगे x प्लस 3 या 2x प्लस 5, तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर्स क्या आ रही है? 1. That means this is the linear polynomials. Similarly, degree अगर आपके पास 2 है polynomial की, तो क्या आएगी? Quadratic polynomial. Just 2x square minus 3x plus 5 और 3x square, ये भी आपका क्या है? Polynomial है. Power क्या आपके पास highest? 2. That means ये क्या हो गया आपके पास? Quadratic polynomial. और इसी तरह से हमारे पास अगर degree जो है वो 3 आ जाए, तो हमारे पास cubic polynomial बन जाए. तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्रीज के साथ साथ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज भी पूछी जाती है. तो जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, उनकी जो डिग्री होगी आपके पास, that is always equals to zero. Non zero constant polynomials is zero के अलावा जितने भी constant polynomials हैं, just like 3 मान लो, 5 मान लो, -100 ले सकते हैं, -1/5 ले सकते हैं. तो zero के अलावा जो भी numbers होते हैं हमारे पास, उनको हम non zero constant polynomials कहते हैं और उनकी degree जो है वो हम zero लेकर चलते हैं. But जो zero polynomial आपको मैंने बताया, zero polynomial कौन सा है? जो simple constant polynomial zero है, that is the zero polynomial. और zero polynomial की जो degree होगी वो सबसे important है, that is non-defined. zero polynomial की degree non-defined, is that clear? तो ये सबसे important है आपका MCQs और short questions में आपको पूछा जाता है, और इस साल की question paper में भी ये था. तो हमने यहाँ पे discuss किया बहुत सारे concepts like degree, polynomials, then monomial, binomial, trinomial and the linear, quadratic and cubic polynomials, zero polynomial, constant polynomials. Okay, so iske according aap apni exercise 2.1 easily complete kar sakte ho. Okay, now for the 2.2 exercise hame kya dekhna hai, there is a new concept of zero of a polynomial. Okay, to zero of polynomial ke pehle हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे. सपोज कि आई एम टेकिंग ए पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5. तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा? x है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं p x की फॉर्म. दैट मींस पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x. ऐसे ही अगर सपोज कोई वेरिएबल मैंने y प्लस 2 लिखा है, तो यहाँ पर वेरिएबल मेरा 2y चल रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? py लिख सकते हैं. ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस है उसमें आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पूछा है. कि सपोज फाइंड p 0 या p 1 अदरवाइज p माइनस 1, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो मैं इस फर्स्ट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग करके बताती हूँ कि p 0 का मतलब क्या है, कि जो भी आपके पास वेरिएबल है गिवन पॉलिनोमियल में उसकी जगह हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो p 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x वेरिएबल है उसकी जगह हम 0 पुट अप करें, सो ऑन सॉल्विंग यू गेट दिस 5. तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो p 0 की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई? 5. सिमिलरली अगर हम p 1 निकालना चाहें, दैट मींस कि जो वेरिएबल है उसकी जगह हमें 1 पुट अप करना है. तो 1 स्क्वायर और प्लस 5 है, तो प्लस 5, सो दिस विल बी 1 प्लस 5, दैट इज. और ऐसे अगर p माइनस 1 निकालना है हमें, तो भी इसी तरह से कि जो भी वेरिएबल है उसकी जगह हमें माइनस 1 पुट अप करना है, और माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1. सो हियर ऑल्सो द वैल्यू इज 6. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू. ठीक है, नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अब क्या मीनिंग है? सपोज आई एम टेकिंग ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5. ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इस एक्स की मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट अप करूं कि पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट हो जाए, है ना? तो आप सिंपली देखो कि सिंपल सा यहाँ पे
रहे हैं कि अगर मैं x की जगह 5 रख दूं तो मेरे पास 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0. That means जो x की वैल्यू मैंने रखी है, that is x equals to 5, is 0 of Px. जो पॉलीनोमियल है उसका 0 क्या बना, x equals to 5. That means सिंपल वे में हम बोले तो 0 पॉलीनोमियल क्या है, the value of the variable which makes whole polynomial equals to 0. कि ऐसी कोई वैल्यू वेरिएबल की जिससे पूरा पॉलीनोमियल आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वेरिएबल की वैल्यू जो होगी, जीरो इज नॉट द जीरो, ओके, जो वेरिएबल की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर लिए, पुट अप कर लिए, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, उस पॉलीनोमियल की जीरो कहलाएगी. ऐसे ही एक और एग्जांपल ले, सपोज आई एम मेकिंग px इक्वल्स टू x प्लस 2. तो अब सोचो आप कि इस x की जगह मैं क्या वैल्यू डालूं कि मेरे पास पूरा ये टर्म जीरो हो जाए. तो सिंपली x की जगह अगर माइनस 2 डाले हम तो माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया, जीरो. दैट मींस यहां पर हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 2 इज जीरो ऑफ दिस पीएक्स. क्लियरली नाउ, अब हर बार हम ऐसे ऑरली सोच सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि px इक्वल्स टू 3x प्लस 5. अब आप सोच के बताओ कि इस x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि पूरा जीरो आ जाए. तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, है ना. तो मेथड क्या है हमें जीरो निकालने का, वो देखो कि फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ एनी पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल है हमारे पास उसका अगर हमें जीरो निकालना है तो जो आपको पॉलीनोमियल दिया है उसको आप इक्वल टू जीरो रख लो, और जैसे हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालते हैं वैसे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस 5. सो एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 3. That means this x equal to minus 5 by 3 is 0 of this Px. आगे बात समझे, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क्स में हर बार एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा. क्लियर. ऐसे ही देखो कुछ और क्वेश्चंस करके देखिए. अगर हम इफ आई एम टेकिंग Px equals to 2x minus 10, ठीक है, इसका मुझे 0 निकालना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2x minus 10 को आप 0 पुट अप करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो यू हैव दिस 2x equals to 10 एंड x equals to 10 by 2, दैट मींस 5. सो x equals to 5 इज 0 ऑफ Px. क्लियर. नाउ अब देखो आपके एक्सरसाइज में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी दिए, वो भी मैं डिस्कस करूं यहां पर. सपोज वी हैव गिवन Px equal to 5x. Only 5x लिखा हुआ है, this is the polynomial. तो हमारा जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग चले कि put 5x equals to 0 and for finding the value of x, यहाँ से हम 5 यहाँ पर divide में put up करेंगे, तो 0 upon 5 and 0 upon 5 is 0. So x equal to 0 is 0 of this x. ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी. ऐसे ही हमें क्वेश्चन में दिया है कि px equal to ax, जहां पर a आपके पास not equal to 0 है, that means a is any non-zero number. जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 था, ऐसे ही a आपके पास कोई भी number हो सकता है, तो फिर हम 0 कैसे निकालें, same way कि ax equal to 0, so x equals to 0 upon a, that means x equal to 0 is the 0 of this polynomial. Similarly, एक और question देखो कि if you have given px equal to cx plus d and c is not equal to 0. यहाँ पर ये जो टर्म है वो सिर्फ एक कंडीशन है, उसका हमें कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है, ओके. तो सिंपली अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, cx plus d equal to 0, so cx equals to minus d and x equals to minus d by c. तो this is the zero of px. क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसे हम सिंपली px equals to 3x plus 5 इस तरह से लिखते हैं, वैसे यहाँ पर c और d कोई आपके पास नंबर्स की फॉर्म है, तो सिंपल सा आपके पास जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया. तो आप अपनी एक्सरसाइज 2.2 पूरी सिंपल फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हो, सिंपली उसमें जीरो वाले क्वेश्चन है और वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश, ठीक है. तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर रिमाइंडर थ्योरम. ओके, टिल देन बाय बाय.